आलू की चर्चा बहुत ज़्यादा जोर शोरों पर है। आलू सबसे पहले अगर जब आलू को ध्यान से देखेंगे तो जिसको तीसरी दुनिया कहते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को खाने पीने के बारे में ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं, किताबों तक सीमित है। इसलिए हम लोग जो कुदरत जो है हमारे लोगों की टीचर है, हम उससे सीखते हैं, हम वो पढ़कर कुदरत के बारे में नहीं बताते। आलू का जो छिलका है उसको ड्राई करके आधा आधा चम्मच देते हैं, शुगर कंट्रोल हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, वैसे तो आजकल आलू की चर्चा बहुत ज़्यादा जोर शोरों पर है। कोई कहता है कि आलू फायदेमंद है, कोई कहता है आलू नुकसानदेह है, तो आप अपने तजुर्बे से बताइए कि आलू खाना फायदेमंद है या नुकसानदेह है। देखिए, जब हम आलू के इतिहास की बात करेंगे तो बहुत कम्युनिटी है, बहुत लोग हैं जो आलू पे ही सर्वाइव किए, जैसे आयरलैंड है, ब्रिटेन है, वेल्स है, ये जितने इधर वेस्टर्न ये कंट्री हैं, खास के जिसको आजकल ब्रिटेन अम्पायर बोलते हैं, ब्रिटिश अम्पायर बोलते हैं, ये सब पहले इनके पास आलू था, आलू और फिश, इस पे ही सर्वाइव करते रहे हैं। इनकी हेल्थ ठीक रही है। इन लोगों के पास पहले बहुत गरीबी थी, इससे ज़्यादा खाने के पास इनके पास और ज़्यादा कुछ नहीं था। ये तो जब फिर इधर एशिया में, ईस्ट यूरोप में और इंडिया में इधर जब ये अंग्रेज़ लोग आए तो इन्होंने यहाँ से लुट कुसुट किया, लोगों को एक्सप्लाइट किया, तब इनका खाना बनाना शुरू हुआ, तब बांध बांध के खाने बांध शुरू हुए। पहले ये लोग आलू पे ही सर्वाइव करते रहे हैं। आलू बहुत अच्छी डाइट है। आलू सबसे पहले अगर जब आलू को ध्यान से देखेंगे तो जिसको तीसरी दुनिया कहते हैं, ये सारा पेरू में, वो ब्राज़ील के नीचे सारे इलाकों में आलू पहले पाया गया। उसके बाद इसके वही जो चीज़ें तीसरी दुनिया के देशों में पाई जाती है वही करीब करीब इंडिया में मिलती है। आलू का इतिहास इंडिया और वहाँ से शुरू होता है। आलू बहुत पुरातन समय से खाया जा रहा है। आलू का जब इतिहास फरोलते हैं इसके लिखने के बारे में, तो जो आजकल आपको पता है वेस्टर्न लोग हर चीज़ को रिसर्च बना लेते हैं अपनी, वो जब बात करेंगे जी इसका 15,000 साल पुराना इतिहास है, इसका 8,000 साल पुराना इतिहास है, जबकि बेस्ट का अपना इतिहास विचारों का 500 साल पुराना है। वो इतिहास लिखते हैं लोगों का 18,000 साल है, 15 साल है, ठीक है नहीं, 15,000 साल है, ऐसा नहीं है। आलू ऐसा है कि जब से इंसान समाज में रह रहा है और जंगलों में रह रहा है तब से आलू उसने अपनी खुराक में कंदमूल में शामिल किया था। आलू के जब बात करेंगे, जो नुकसान की बात आजकल चर्चा कर रही है, डॉक्टरों का विषय बनी हुई है, कुछ डॉक्टर कहते हैं आलू शुगर बढ़ाता है, कुछ कहते हैं हार्ट अटैक करता है, क्योंकि डॉक्टरों को खाने पीने के बारे में ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं, किताबों तक सीमित है। हम लोग खेती भी करते हैं, उसको लोगों को पढ़ाते भी हैं, और आलू आप उगाते हैं और साथ में खाते हैं, साथ में ट्रीटमेंट करते हैं। इसलिए हम लोग जो कुदरत जो है हमारे लोगों की टीचर है, हम उससे सीखते हैं, हम वो पढ़कर कुदरत के बारे में नहीं बताते। सो आलू जो है बहुत अच्छी खुराक है। अगर आलू जो खराबी की बात करते हैं, आलू की खराबी की बात तब करती है आलू जब आलू में हम लोड से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, हम दवाइयाँ फेंकते हैं और दवाइयाँ डालते हैं और फर्टिलाइजर डालते हैं और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं और आलू को बहुत गंदी किस्म के पानी देते हैं उसको ज़्यादा पैदावार करने के लिए। वो आलू निश्चय ही ख़तरनाक है और सेहत के लिए हार्मफुल है। अगर आलू को हम इन फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से और देसी ढंग से उगाया जाए, देसी खाद डालकर, तो आलू सेहत के लिए बहुत ही यूज़फुल खुराक है। आलू ख़राब नहीं करता। देखिए, आलू के बारे में जो हार्ट अटैक की बात करते हैं, डॉक्टरों को शायद बेचारों को ये नहीं पता। मेरे पास लोग आते हैं, मैं 22-23 साल से तो यहाँ ओपन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वैसे 25 साल से करता हूँ, और आपको पता है मेरे पास पेशेंट जो हैं 100-150 डेली आते हैं। और आलू इतनी बढ़िया खुराक है कि आलू खाने वाले को हार्ट अटैक होने की जगह होता ही नहीं। अगर आलू सही हो, ना हार्ट अटैक होता है ना शुगर होती है। शुगर रोग उसी को होता है जो आलू को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और दूसरी खुराकों से बने हुए आलू को खाता है।
अगर इवन मैं जब शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आपको सरप्राइज होगा, गोली बदार छोटा आलू और जहाँ आलू का जो छिलका है उसको ड्राई करके आधा आधा चम्मच देते हैं, शुगर कंट्रोल हो जाती है उसके से। आलू इतना बढ़िया चीज़ है। इसे आलू के बारे में हम सुनी सुनाई बातें हैं, मीडिया से सुनते हैं, टेलीविजन से सुनते हैं और मैगजीनों में पढ़ते हैं, और मैगजीनों में लिखती कौन है, वो लड़कियाँ लिखती है, वो लोग लिखते हैं, वो पत्रकार लिखते हैं जिनको खेतों का ही नहीं पता कहाँ है, जिनको यही नहीं पता कि डायग्नोज कोई चीज़ कैसे होती है। इसलिए उसके बारे में समाज विचार बना लेता है, फिर डॉक्टरों के पास वो बातें जाती है, डॉक्टर भी वही बातें करते हैं। डॉक्टरों के पास कौन सी बातें जाती है, जो एक लैब टेक्नीशियन बैठकर कहता है। जैसे आलू जब से समाज बना है, जब से लोग रह रहे हैं, तब से मनुख खाता आ रहा है, वो रिसर्च ज़्यादा काबिल है जब 5 दिन की ये रिसर्च जो लैब टेक्नीशियन बनाकर डॉक्टरों को बताते हैं, डॉक्टर आगे रिकमेंड करते हैं। ये हमारे पढ़ाई लिखाई में एक बहुत हंसे वाली बातें हैं। इसलिए आलू के बारे में जो चर्चा हो रही है कि आलू बहुत बुरी चीज़ है, आलू फ़ायदेमंद ही फ़ायदेमंद है, आलू नुकसानदायक नहीं है, आलू में कोई ऐसी नुकसान वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ, आलू नुकसान कैसे करता है, जब आलू को हम क्या करते हैं, उसको रोस्टेड करने की बजाय सब्जी में ज़्यादा घी वगैरह डालते हैं, या उसको बॉयल करके या मैश करके उस पर ज़्यादा क्रीम डालते हैं, उस पर ऑयली चीज़ें डालते हैं तो आलू हैवी हो जाता है, उस पर सॉल्ट डालते हैं तो आलू हैवी हो जाता है। सॉल्ट और ज़्यादा मीठा और ज़्यादा क्रीम, ये ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शरीर को नुकसान करती है, हार्ट को नुकसान करती है। बेसिकली आलू नुकसान नहीं करता, आलू को जैसे वो परोसते हैं, जैसे वो थाल को सजाते हैं, वो नुकसान करता है। इसलिए आलू नुकसानदायक नहीं है। आलू को अगर रूटीन में नेचुरल ढंग से खाया जाए, आलू का बहुत ही फ़ायदा है। अगर रोस्टेड आलू खाते हैं, रोस्टेड आलू को सरप्राइज होगा कि 1 ग्राम वजन नहीं बताता और बड़ी पौष्टिक खुराक है। आलू में विटामिन B6 होता है, विटामिन सी बहुत होता है, पोटाशियम होता है, मैगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है, फाइबर बहुत है आलू में। आलू में क्या चीज़ नहीं है, विटामिन सी इतना है जिसका हिसाब कोई नहीं। और जब आलू का अध्ययन करेंगे, आलू के बारे में आप देखेंगे, आलू को आप खाकर देखेंगे, ये देखिए मेरे पास आलू कितना बीजा हुआ है, देखा है कितना बोया हुआ आलू है, ये किसी आलू में एक किण का भी कभी फर्टिलाइज़र का किसी तरह का आर्टिफिशियल कोई इंसेक्टिसाइड कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। ये आलू हम लोग खाते हैं और मैं 3 टाइम आलू खाता हूँ। आलू हम रोजाना खा सकते हैं, मैं रोजाना आलू खाता हूँ और मेरे को कभी लगे नहीं आलू नुकसान करता है। वैसे लोग कहते हैं कि रोजाना आलू नहीं खाने चाहिए, ये जो आलू पैदा कर रहे हैं, जो हमारे किसानों को यूनिवर्सिटी हैं, पढ़े लिखे लोग फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड उसकी पैदावार पैदा करने के लिए ज़्यादा ग्रोथ लेने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं, वो दरअसल किसानों से पैदावार ज़्यादा नहीं करा रहे, वो किसानों के थ्रू अपना क्या कर रहे हैं, मेडिसिनल सिस्टम चला रहे हैं, अपना कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहे हैं। किसान को एक एक कली ये अकेले जो आजकल फसलों के बारे में एक बात चल रही है उससे मार नहीं है, उस किसान को इनडायरेक्टली इससे भी मार है। इसलिए आलू के बारे में जानकारी के लिए उसका बेसिक जब तक हम नहीं समझते तो आलू को हम ऐसे ही कहते रहें कि आलू नुकसानदायक है। आलू के नुकसान तो आपने बता दिया कि उसमें कोई फर्टिलाइज़र डाला जाता है तो ये नुकसानदेह है, वरना ये इतना नुकसानदेह नहीं है, इसके साथ और चीज़ें मिला के खाई जाती है तो ये नुकसानदेह है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं वो भी बताइए। आलू के फ़ायदे देखिए, एक तो ये बहुत अच्छी पौष्टिक डाइट है। आलू को जब हम देखते हैं, आलू फिश से अंडे से दोनों से ज़्यादा गुणकारी है। अगर आलू नेचुरल ढंग से ग्रो किया जाता है और इसको रोस्टेड किया जाता है या इसको स्टीम किया जाता है तो आलू के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और छोटे आलू को आप समेत उसके छिलका खाते हैं, छिलका आलू का इतना फ़ायदेमंद है जिसका मुकाबला ही कोई नहीं। एक तो ये है कि शरीर के लिए बहुत यूज़फुल है, दूसरा आलू स्किन के लिए तो एक मफीद चीज़ है। अगर देखिए किसी के चेहरे पे शाइएँ हो, किल हो, मुहासे हो, उसके निशान हो, आप आलू को काटें, उसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे चेहरे पर लगाएँ, उसको 15 मिनट छोड़ दें, उसके बाद साफ करें, आपको ऐसे सरप्राइज होगा कि ब्लीचिंग जो लगाती हैं, ब्लीच करने वाला वो कर ही नहीं सकता काम। ब्लीच का तो स्किन को ख़राब करता है, वो स्किन को ठीक करता है और सारी वो चेहरे पे शाइयों को हटा देता है। दूसरा, आलू का जूस निकालें, बाल झड़ते हो उसको जैसे तेल की मालिश करते हैं, बालों में तेल की मालिश करें, आलू की मालिश करें उसके जूस की, बड़ा गुणकारी है। दूसरा, आलू का जूस लें, अगर आपके अंदर छोटी छोटी गिल्टी हैं, रसूली हैं, वो आलू का जूस पिए, आलू के जूस से सारी खुल जाती है।
आलू एंटी कैंसर है, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आलू खाने से कैंसर का अगर स्कोप किसी आदमी की रेजिस्टेंस बॉडी की कम है वो बढ़ जाती है, अगर कैंसर का स्कोप 80% है आलू खाने से 40% रह जाता है, 50% चांसेस कम हो जाते हैं, आलू इतना बढ़िया है। दूसरा आलू और सफाई के लिए बड़ा यूज़फुल है, जैसे आप चांदी के बर्तन हैं, चांदी के कितने भी बर्तन हो, आपके गहने हो, दो आलू को काटो, उनको उबालो, उबालने के लिए उबाल कर उसका पानी जो रह जाएगा उसमें उसको गहनों को उबालो, एकदम ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी अभी गोल्ड स्मिथ ने बनाए हैं, अभी बनाए हैं, वो आलू को आलू का सब्जी खा लो, है ना। और दूसरा बर्तनों में जो तो काल से जम जाती है उससे ठीक हो जाता है, इवन जो ये जितने हमारे और लोहे के जितने बर्तन हैं या लोहे की रॉड्स हैं जिनको जंगाल लग जाता है, आलू को काटो उसको भी रब करो, उसके बाद साफ़ हो जाता है, बड़ा फर्स्ट क्लास हो जाता है, और कुछ रहता ही नहीं आलू में ना, उसमें लगा हुआ एकदम साफ़ हो जाता है। आलू के इतने फ़ायदे हैं आप सोच ही नहीं सकते। आलू स्किन के लिए यूज़फुल है, बालों के लिए यूज़फुल है, हेल्थ के लिए यूज़फुल है, हाजमे के लिए यूज़फुल है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, हार्ट के लिए यूज़फुल है, इवन शुगर वाले पेशेंट के लिए आलू हमने आज तक बंद नहीं किया, और मेरे पास मैक्सिमम शुगर के पेशेंट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्योर भी होते हैं, अस्पताल तो लगातार और देंगे जब ट्रीटमेंट, उसका हार्ट ख़राब कर देंगे, कभी किडनी ख़राब कर देंगे, हमारे पास कोई ऐसी शिकायत आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। तो आलू के बारे में दरअसल ये बातें जो है र्यूमर्स उड़ाई जाती है, क्योंकि आलू एक सस्ता भोजन है, जो सस्ता भोजन की वजह से जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसके टिंड पैकेट खाने जो हैं वो महंगे खाने हैं, उनको बेचना है, आलू उनका मुकाबला जब करता है, जो देखते हैं आलू तो 2 रुपये का किलो मिल जाएगा, टिंड पैक खाना जो मिलेगा अगर 1 किलो लेना है वो मिलेगा 500 रुपये का, तो कॉरपोरेट सेक्टर और बिजनेस व्यापारियों को आलू का नुकसान बहुत ज़्यादा है। और दूसरे पास से अगर आलू को डायरेक्ट खाएंगे तो आलू के चिप्स नहीं बिकते, आलू की और नगलट्स नहीं बिकते, आलू के वो पकौड़े बने बनाए आते हैं जो वो नहीं बिकते, आलू के कितनी चीज़ें जो बनी बनाई पैकेट आती है, टिंड पैकेट आती है, वो नहीं बिकती। आलू के बारे में चर्चा का विषय के पीछे कॉरपोरेट सेक्टर और बिजनेस व्यापारियों का और मिली जुली सब लोगों की भूत है, वरना आलू बहुत ही यूज़फुल चीज़। लोग कहते हैं आलू खाने से मोटा हो जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें अगर आलू नेचुरल ढंग से उगा हुआ होता है और ठीक आप मात्रा में आलू खाते हैं, रोज़ 100 ग्राम के करीब खाते हैं, आलू में रोस्टेड करके खाते हैं, आलू को सफ़ेद छिलका खाते हैं, 1 ग्राम भी मोटापा नहीं आता, शरीर पूरा डाइजेस्ट करता है। आलू में मोटापा इसलिए आता है जब हम आलू को क्या करते हैं, उसको उस पर क्रीम डाल लेते हैं, उस पर ऑयल डाल लेते हैं, उसकी टॉपिंग कर देते हैं, उससे वो दरअसल वो आलू का नुकसान नहीं होता, वो जो उसके स्वाद करने के लिए उसको उसका स्वाद बढ़ाने के लिए जो हम मेकअप करते हैं आलू बेचारे का, वो सारा मोटापा करता है और आलू गरीब आदमी बदनाम हो जाता है। डॉक्टर साहब, आलू से और क्या बनता है? आलू से देखिए आलू के चिप्स बनते हैं और टिंड पैक खाने आते हैं आलू के, आलू का अचार बन जाता है, ठीक है, आलू के पकौड़े बन जाते हैं, आलू की सब्जी बन जाती है, आलू के स्नैक्स बन जाते हैं, आलू की टिक्की बन जाती है, आलू का क्या नहीं बनता, और फिर भी इसके बावजूद भी आलू बेचारा बदनाम है। क्यों बदनाम है वो फिर मैं कह रहा हूँ, उसके पीछे कॉरपोरेट सेक्टर और बड़े बिजनेस व्यापारियों का हाथ है, उनके टिंड पैकेट खाने को नुकसान होता है। आलू 2-3 रुपये किलो मिलता है, वो 200-400 रुपये का मिलता है किलो। वैसे देखा जाए तो पुराने ज़माने में घर में चिप्स बनाए जाते थे, आजकल वो चीज़ तो ख़त्म ही हो गई है। ख़त्म ऐसा है, लोगों को घर में इंटरेस्ट ही नहीं रहा, लेडीज़ के पास वक्त ही नहीं है, लेडीज़ के पास क्या वक्त है, लेडीज़ शॉपिंग मॉल में घूमती मिलेगी आपको, घर का खाना बनाती मिलेगी ही नहीं, पहले माँ होती थी, आज औरत है घर में, माँ नहीं है, जब माँ होगी तो सब खाने पकवान बनेंगे, तो आलू के चिप्स भी बनेंगे, आलू के पकौड़े भी बनेंगे, आलू की टिक्की भी घर में बनेगा, आलू का भुजिया भी घर में बनेगा, अगर माँ होगी, अगर औरत होगी तो आलू तो बेचारा आलू ही रह जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमें आलू के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आलू खाने से कोई मोटा नहीं होता अगर सही तरीके से खाया जाए तो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।